नमस्कार। लॉकअप की मुजरा गर्ल वही टिकटॉकर अंजलि अरोड़ा अभी वापस से वो न्यूज में सुर्खियों में आ चुकी है, किसी अच्छे काम की वजह से नहीं। ये वैसे भी मुजरा गर्ल्स और ये लोग अच्छे कामों की वजह से वैसे भी न्यूज में आते नहीं है। अभी ये जो न्यूज में आई है ना, ये न्यूज जो शब्द है इसके ऊपर थोड़ा फोकस करें। बिग बॉस 16 आने वाला है, उसके पहले कुछ कॉन्ट्रोवर्सी कर दो, न्यूज में आ जाओ, खबरों में आ जाओ, क्या पता मेकर्स आपको एक हैवी अमाउंट पकड़ा दें। ये तो आप सब जानते हैं कि जो टिकटॉकर्स या जो सोशल के जो सो कॉल्ड सुपरस्टार्स हैं, ये लोग बिग बॉस के जो मेकर्स होते हैं ना, उनके रडार पर हमेशा रहते हैं। एंड जब से अंजलि अरोड़ा ने लॉकअप किया, उसके बाद से तो वो एंडेमोल वगैरह के टच में है ही सही, तो डेफिनेटली वो बिग बॉस 16 में आना चाहती है और क्या पता आ भी जाए। लेकिन अब जिस तरह से वो खबरों में आ चुकी है कॉन्ट्रोवर्सी करके, अब अंजलि अरोड़ा जिस वजह से वायरल हो रही है या फिर न्यूज में आ रही है, वो वजह तो आप जानते हैं। लेकिन यहां पर मैं उस एमएमएस की बात नहीं करूंगा, वो एमएमएस आई एम श्योर बहुत लोगों ने देखा होगा, मुझे भी उस एमएमएस के काफी सारे लिंक्स आए, लेकिन मैंने बस उसका जो कुछ फोटो वगैरह है मैंने ऊपर ऊपर से देख लिए फोटो, एमएमएस में घुसकर देखने की मैंने कोई जरूरत महसूस नहीं की। लेकिन जो पॉइंट मैं यहां हाईलाइट कर रहा हूं ना, वो पॉइंट ये है कि सिद्धार्थ कनन को अंजलि अरोड़ा ने एक इंटरव्यू दिया, बहुत बड़े लेवल का उसने विक्टिम कार्ड खेल लिया, बड़ी बड़ी बातें उसने कही, जैसे कि यार ये जो कुछ हो रहा है ना बहुत फेक है, मैंने कंप्लेंट कर दी है, ये लोग मेरी छवि खराब करना चाहते हैं, यार मेरे भी फैमिली है, मेरे भी माँ बाप है, छोटा भाई है, वो लोग देखते हैं मतलब क्या सोचेंगे। आप यकीन मानिए, सिद्धार्थ करण के चैनल पर जब अंजलि अरोड़ा ऐसी बातें कर रही थी ना, मेरे माइंड में ऑटोमेटिकली बिग बॉस ओटीटी की नेहा भसीन की याद आ गई। नेहा भसीन ने बिग बॉस ओटीटी में कैसी क्रिंजिएस्ट हरकतें करी थी, और उन क्रिंजिएस्ट हरकतों के ऊपर जब अक्षरा सिंह या फिर कोई और इंसान अगर पॉइंट आउट कर दे कि यार नेहा एक तरफ तो आप खुद को शादीशुदा बोलती हो, काफी मेच्योर बनती हो, लेकिन ऐसी हरकतें आप कर रही, तो नेहा भसीन क्या बोलती थी, प्लीज आप मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, मेरी भी फैमिली है, मेरा भी पति है, मेरी भी फैमिली है, मेरा भी पति है, मेरा भी बापू है, वो देखेंगे। मतलब जब ये हरकतें करते हैं ना, तब इनकी फैमिली नहीं देखती, लेकिन वो हरकतें जब कोई पॉइंट आउट कर देता ना, मेरी भी फैमिली है, मेरा भी पति है, बाहर मुझे देख रहे, मेरी छवि खराब हो जाएगी, ऐसा लग रहा था मुझे जब ये अंजलि अरोड़ा सिद्धार्थ करण के चैनल पर ये बातें कर रही थी ना, रो रखत मेरी फैमिली है, छोटा भाई है, सब देखेंगे। अच्छा, तुम्हारे छोटे भाई ने लॉकअप तो देखा होगा ना, जहां पर तुमने सीक्रेट रिवील किया था, व्हेन आई वाज इन रशिया आई हैड नो मनी, आई वाज इन होटल एंड आई वांटेड टू गो आउटसाइड बट आई हैड नो मनी, एंड इन एंटायर होटल देयर वाज ओनली वन रिसेप्शनिस्ट, वी वर अलोन, ही गेव मी 5,000 रूबल एंड देन आई वेंट टू द पार्टी। अब भाई पराए मुल्क में किसी ने 5,000 रूबल उठाकर इन्हें वहीं दे दिए, तो वो अंजलि अरोड़ा जिसने लॉकअप में दुनिया भर की छिछोर पंक्तियां करी, उसकी छिछोर पंक्तियों को अंजलि अरोड़ा की मम्मी ने क्लीन चिट दे दी। इनफैक्ट अंजलि अरोड़ा की जब मम्मी आई थी लॉकअप शो के अंदर, वहां फैमिली वीक के दौरान, तो कैसे कैसे उसने अलग ही त्रिया चरित्र दिखाए थे अंजलि अरोड़ा की मम्मी ने। उस एपिसोड में अंजलि अरोड़ा की मम्मी ने एक बात कही थी अंजलि अरोड़ा से, कि तेरा और मिस्टर एमएफ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर लोगों ने डबिंग कर दी, जहां तू आई लव यू बोल रही है। एंड उस एपिसोड का जब मैंने रिएक्शन दिया था, रिव्यू दिया था, मैंने कहा था यार जब माँ ही ऐसी है तो फिर औलाद तो वैसी ही होगी ना। अंजलि अरोड़ा की माँ ने अंजलि अरोड़ा को एक बार भी पॉजिटिव फीडबैक नहीं दिया, एक बार भी अंजलि अरोड़ा को उन्होंने ये नहीं बोला कि तू बहुत ज्यादा कोजी हो रही है, बहुत ज्यादा चिपकम चिपकी चल रही है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तब ना तो अंजलि अरोड़ा ने कुछ सोचा और ना ही उसकी माँ ने सोचा कि बाहर उसकी फैमिली है, छोटा भाई है, बॉयफ्रेंड है, रिश्तेदार है, नातेदार है, पड़ोसी है, बिल्डिंग वाले होंगे, स्कूल के फ्रेंड्स होंगे, कॉलेज के फ्रेंड्स होंगे, तमाम लोग, कहने का मतलब कि वो तमाम लोग जिनके बारे में ये आज फिक्रमंद हो रहे हैं, तब ये लोग फिक्रमंद क्यों नहीं थे। लॉकअप के अंदर अंजलि अरोड़ा ने सारी मर्यादा की हदें पार करके रख दी थी, आजमा फल्ला के अंडरगारमेंट्स वगैरह सब उठा उठा करके फेंक दिए थे, और ये मिस्टर एमएफ के साथ मुंजली में एक पार्टनर बनके घूम रही थी, पास में ही पलंग डाल करके लेट जाती थी, और इनफैक्ट एमएक्स प्लेयर जहां पर ये लॉकअप आया करता था, एमएक्स प्लेयर ने तो बाकायदा एक कैप्शन डाल दिया था प्यार का इजहार, और कंगना रनावत ने कैसे मुंजली मुंजली के लिए और आता लंबियां लंबियां रे, उस समय ना तो मिस्टर एमएफ ने और ना ही मुंजली की ये जो अंजलि हैं, इन्होंने उस राता लंबिया लंबिया को मतलब इग्नोर करने की कोशिश करी, इनफैक्ट और ज्यादा इनको ओवर हाइप किया गया। लेकिन तब ना तो कोई रिश्तेदार को सोच रहा था, ना ही नातेदार को सोच रहा था, इनफैक्ट ये सिड कनन जिसके चैनल पर अंजलि अरोड़ा ने इंटरव्यू दिया है, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की है, वही सिड कनन जिसको कंगना रनावत ने देश का सबसे बड़ा मीडिया पर्सन डिक्लेयर करके अपने शो में बुलाया था, जबकि सिड कनन इज नथिंग बट
जस्ट पीआर, जो कि सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू ले लेकर के उनके फॉलोअर्स को खुश करने की कोशिश में लगा रहता है। तो सिड कनन जो कि लॉकअप में भी आया था मीडिया पर्सन बनकर, जहां पर इसी सिड कनन के सामने इसने अंजलि अरोड़ा ने कहा था कि हाँ उसके मन में मिस्टर एमएफ के प्रति रोमांटिक फीलिंग आ गई थी, रोमांस वाले हार्मोन्स कुलबुला रहे थे। तो वो अंजलि अरोड़ा जो टिकटॉक पर अपने बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट्स हिला हिला कर दिखा दिखा कर वायरल होती है, तब ना उसकी फैमिली को दिखता है, तब ना उसकी मम्मी को दिखता है, तब ना उसके छोटे भाई को दिखता है, एकदम थर्ड क्लास वल्गैरिटी का जो वो प्रमोशन कर करके वायरल हुई है। इंस्टाग्राम पर कहिए या टिकटॉक पर कहिए, एकदम ठरकियों की उसने रासलीला शुरू करके अपने फॉलोअर्स वगैरह इकट्ठा कर लिए। ऐसी हरकतें करके तो अंजलि अरोड़ा की फैमिली माँ बाप का नाम एकदम रोशन हो रहा था ना। तो वो अंजलि अरोड़ा जो सिर्फ और सिर्फ वल्गैरिटी की वजह से फेमस हुई है, वो अंजलि अरोड़ा जिसने लॉकअप में छिछोरपंती करी, जिसने खुद अपने मुंह से कबूल कर लिया कि वो रशिया गई थी और उसे पैसे उसके पास पैसे वगैरह कुछ नहीं थे, तो होटल के एक रशियन रिसेप्शनिस्ट ने उसको 5000 रूबल्स ऐसे ही दे दिए और ये सीक्रेट बताकर वो लॉकअप में सेव हुई थी। और लॉकअप के अंदर ऑलरेडी शादीशुदा इंसान, जो कि बाद में पता चला उसका 1 साल का बच्चा भी है, लेकिन वो डिवोर्स ही है, लेकिन बाहर बीवी कहां है बच्चा का कुछ नहीं पता, लेकिन कैसे अंजलि अरोड़ा और मिस्टर एम एफ वहां पर एक कपल वाला गेम खेल रहे थे, जबकि अंजलि अरोड़ा का बाहर एक बॉयफ्रेंड है और अब तो पता चल रहा है कोई डीएसपी से भी उनका चक्कर वगैरह था, जो कि कच्चा बादाम को पक्का बादाम का शेक बना के खा पी के थूक करके निकल गया। तो अंजलि अरोड़ा पहले तो एमएमएस बनवाती हैं, शूट करती हैं, और अंजलि अरोड़ा ने साबित कर दिया है कि वो न्यूज में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। आप खुद सोचिए, वो अंजलि अरोड़ा जो कच्चा बादाम पे वल्गर डांस करके एंड बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट्स को हाईलाइट कर करके जो दिखाती थी, तब उसके पेरेंट्स को, फैमिली को, भाई को कुछ नहीं दिखता था क्या? तो मतलब ये किसको बेवकूफ किसको समझते हैं ये अंजलि अरोड़ा जैसे लोग? हम सबको पता है कि बिग बॉस आने वाला है, उसके पहले ये लोग कंट्रोवर्सी करके खुद को न्यूज में बनाए रखना चाहते हैं, सो दैट जो मेकर्स हैं उनको थोड़ा बजट बढ़ा करके दे दें, सो दैट क्या होगा कि मेकर्स भी सोचेंगे हाँ भाई ये अंजलि अरोड़ा काफी रिलेवेंट लग रही है, ये न्यूज में बनी है, ट्रेंड भी कर रही है, चलो इसको डाल देते हैं। पहले कंगना रनावत के पहले तो बिग बॉस कौन सा सीजन था, 4 या 5, जहां पर पॉर्न स्टार सनी लियोनी को सलमान खान और संजय दत्त इंडियन टीवी पर लाते हैं, फिर महेश भट्ट उसे साइन करता है, फिर एकता कपूर उसको अपनी गंदी बात या फिर वो कौन सी एमएमएस वगैरह जो फिल्म थी, मतलब कहने का यह है कि जिस देश के अंदर सनी लियोनी जैसी पॉर्न स्टार को एक सेलिब्रिटी बना दिया जाता है, वहां तो लड़कियां फिर उसको फॉलो करेंगी ही ना। आप खुद देख लीजिए कि जो ट्रेंड शुरू हुआ था सनी लियोनी के इंडिया आगमन के बाद से, उसने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम कर लिया, वो सनी लियोनी जिसको एक्टिंग का ए भी नहीं आता है, लेकिन वो किस चीज की वजह से फेमस हुई है, किस चीज की वजह से इंडिया में वो सेलिब्रिटी बन गई है, इस चीज को हमारे जो टिकटॉकर्स कहिए या जो रील्स बनाने वाले छपरा छपरी या फिर जो मुजरा बनाने वाले या मुजरियां करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने समझ लिया कि जब सनी लियोनी इंडिया में सेलिब्रिटी बन सकती है तो ये लोग क्यों नहीं बन सकते। और उसके बाद आप देख लीजिए वेब सीरीज के नाम पर न्यूडिटी या फिर पोर्नोग्राफी वगैरह प्रमोट होती जा रही है, शिल्पा शेट्टी उसका पति राज कुंद्रा वो भी इसी धंधे में लगा है, एंड जैसे सनी लियोनी को सलमान और संजय दत्त ने पब्लिक पर थोप दिया, वैसे ही कंगना रनावत ने पूनम पांडे को, अंजलि अरोड़ा को थोप दिया। जब लॉकअप नाम के शो के अंदर अंजलि अरोड़ा के सामने वो साइशा अपने यू नो बूबीज हुबीज दुनिया भर की बातें करती रहती थी, क्या तब अंजलि ने उसको रोका था? तब तो अंजलि खुद उसके साथ बैठकर वदफा करती रहती थी, तब उसने नहीं सोचा था कि बाहर उसका छोटा भाई भी ये सारी चीजें देख रहा होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि तब तो इनको सब चलता था, लेकिन अब क्या है कि इनको विक्टिम कार्ड खेलने हैं कि फैमिली देख रही होगी क्या क्या नहीं, ये सारी चीजें क्या भाई साहब इन लोगों की स्ट्रेटेजी का हिस्सा होती है। अब क्या इनके 11-12 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो मार्केटिंग टीम जुड़ जाती है एंड वो लोग इनको टिप्स देते हैं कि भैया क्या है कि लॉकअप के बाद से आपने कुछ बड़ा तो किया है नहीं, तो न्यूज में कैसे आए, तो चलो पुराना एक एमएमएस लीक करवा देते हैं, फिर विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि वो मैं नहीं हूं, जबकि भाई साहब किसी के आगे फूट तो गई नहीं है, हमने आपको मेकअप में भी देखा है और हमने आपको बगैर मेकअप के भी देखा है लॉकअप के अंदर। तो अंजलि अरोड़ा या सिड कनन ये तो बोले नहीं कि वहां पर वो जो लड़की वो अंजलि अरोड़ा नहीं है, वो लड़की अंजलि अरोड़ा ही है, और हम कोई दूध भी दे बच्चे तो है नहीं कि जो चीजों को देख कर भी अनदेखा कर दें या समझ नहीं पाए। तो ये जो चूरन चिपकाने की कोशिश कर रही है ना अंजलि अरोड़ा की, उसकी फैमिली देखेगी, फैमिली की इतनी परवाह होती तो तुम्हारी माता श्री जो आई थी वो लॉकअप के अंदर तुमको ज्ञान दे करके जाती, कान के नीचे एक रेप्टा लगा के देती कि वो मुनव्वर जो ऑलरेडी बाहर शादीशुदा एक बच्चे का बाप है, तो उसके साथ प्यार की रंगरलियां खेल रही है वहां पर, खुद रात को आई लव यू बोलती है, फिर बाहर उसकी माँ क्या बोलती, किसी ने वीडियो एडिट कर दिया। तो जैसे माँ झूठी वैसे ही अंजलि अरोड़ा झूठी, जो संस्कार अंजलि अरोड़ा को उसकी माँ ने सिखा है, अंजलि अरोड़ा उन्हीं संस्कारों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा रही है। कई लोग मुझसे ये कहेंगे कि भाई तुम बहुत हार्श बोलते हो, उसकी फैमिली को ट्रैक करने की
की क्या जरूरत है भाई। फैमिली वीक में फैमिली आई थी ना, फैमिली का कर्तव्य क्या होता है? फैमिली का कर्तव्य ये होता है ना कि सिखाएं कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अंजलि अरोड़ा को तो उसकी माँ ने ही बोल दिया, जा बेटा अपने बम मटका जाके, चेस्ट दिखा जाके दुनिया भर की, वहां पे थर्ड क्लास वीडियो बना और वायरल हो जाओ, और वही हरकतें फिर एक और वीडियो में कर दो, फिर से वायरल हो जाओ, न्यूज में आ जाओ। मतलब ये धंधा बना रखा है। लेकिन इन लोगों को इन्फ्लुएंसर्स बोला जाता है, सेलिब्रिटी बोला जाता है। तो एक ट्रेंड जो सनी लियोनी ने शुरू करा था, ऐसे ही ट्रेंड कर करके ये पूनम पांडे या फिर ये क्या नाम इसका अंजलि अरोड़ा, ये सेलिब्रिटी बन चुके हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स मिले, एंड बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इन लोगों के साथ स्टेज शेयर करेंगे। ऐसे ही सेलिब्रिटी में कंगना रनावत, जो रिहाना को तो पोर्न स्टार बोला करती थी, लेकिन यहाँ खुद अपने शो में उसने ये सर्टिफाइड पोर्न स्टार पूनम पांडे और ये थर्ड क्लास गर्दुली अंजलि अरोड़ा, इनको उसने प्रमोट भी करा और पब्लिक के ऊपर सेलिब्रिटी का टैग लगाकर चिपका भी दिया। तो कंगना रनावत कैसी गर्दुली और दुगली साबित हुई है, बोलती कुछ है अपने शो में, करवाती कुछ और थी। तो ये सारी चीजें आप सबके सामने हैं। मैं इस टॉपिक पर बोलने से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आपको तस्वीर का दूसरा साइड भी देखना चाहिए, जो कि सिड कर्नर ने तो छुपा लिया, लेकिन कंगना रनावत उसको देश का सबसे सच्चा और अच्छा मीडिया पर्सन बोल करके अपने शो में लेकर के आई थी। मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ सलमान खान ने सिड कर्नर की औकात दिखा दी थी, जब एक आईफा इवेंट में ये सलमान भाई कर रहा था और सलमान खान ने बोला था चैट अप बुलशिट बकवास बंद कर, ऐसे करके कुछ सलमान खान ने इसकी बोलती बंद कर दी थी। तो ये सिड कर्नर कुछ और नहीं, पीआर है सेलिब्रिटीज का। तो वो सिड कर्नर जिसको कंगना रनावत मीडिया वाला या फिर सच्चा पत्रकार बोल के चिपकाने की कोशिश कर रही थी, वो कुछ और नहीं है, वो एक थर्ड क्लास का लुक्का है जो कि सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू लेता है, उनके फैंस को खुश करता है। अगर वाकई में सिड कर्नर मीडिया का होता या थोड़ा सा भी उसके अंदर ईमानदारी या फिर नैतिकता होती, तो वो अंजलि अरोड़ा से पूछता कि बेटा तुम अभी कह रहे हो कि तुम्हारे माँ बाप देखेंगे तो क्या सोचेंगे, जब तुम रशिया गई थी और अपना जो सीक्रेट है तुमने वहां एमएक्स प्लेयर पर जब रिवील करा था, तब तुमने नहीं सोचा था क्या? और जब तुमने इसके मुनव्वर के साथ आई लव यू की पीपीडी बजाई थी, उसके बाद तुम्हारी मम्मी आके बोल रही थी कि किसी ने एडिट कर दिया, तुम लोग क्या समझ रहे हो अंजलि और तुम्हारी मम्मी के दुनिया को बेवकूफ समझते हो क्या, कि दुनिया में अकल नहीं है, आंखें फूट गई हैं सबकी? ऐसे कुछ सवाल सिड कर्नर को करने चाहिए थे, लेकिन उसने नहीं किया। वो तो यही बोलता रहा कि तो अंजलि आपने जो बोला है वो बहुत ज्यादा सच्ची बात है, तो देश की जनता आप जान चुके हैं कि अंजलि अरोड़ा उस एमएमएस में नहीं है। ये तमाम लोग जो उस एमएमएस को फैला रहे हैं वो अंजलि के हेटर हैं, तो प्लीज उनकी बातों में मत आइए। अंजलि आई विश यू ऑल द बेस्ट, आप बिग बॉस 16 में जाइए, उसके बाद फिर से मेरे चैनल पर आइएगा, आपके और फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे तो फिर मेरे भी सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। तो अंजलि आप जाइए, मैं बाद में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक आप देखते रहिए सिड कर्नर सिड टॉक्स, जो भी उसका चैनल का नाम है। इस तरह की बकवास वो कर करके पब्लिक को बेवकूफ बनाता रहता है। तो ये है मेरा पूरा रिएक्शन इस ये जो एमएमएस कंट्रोवर्सी चल रही है इसके ऊपर। अब आप मेरी बातों से कितने सहमत है कितने सहमत नहीं है कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। आपको वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कीजिएगा। आपने समय निकाला वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।